भोजपुरी से शुरुआत कर बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों में अपने धाक जमाने वाले और लगभग 500 से अधिक फिल्में करने वाले भोजपुरी स्टार के नाम से मशहूर रवि किशन जी हमारे साथ हैं। इनसे हम आज कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। रवि जी, आप यहाँ पर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं लखनऊ में, तो यहाँ पर आपको फिल्म की शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, हम तो काफ़ी सालों से यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लोग अच्छे हैं, शांति से शूटिंग होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेनेवर आई कम हियर, बहुत आनंद आता है। अच्छा, ऐसा लगता है अपने घर में शूटिंग। आपने उन्नाव में शूटिंग के दौरान कहा था कि अगर उन्नाव या लखनऊ में फिल्म इंडस्ट्री बनती है तो काफ़ी फ़ायदा होगा प्रदेश को भी और लोगों को भी, इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में? यहाँ पर अभी जैसे रजनीकांत सर आए थे यहाँ पर, महेश बाबू तेलुगु से जो बहुत बड़े स्टार, और तमिल से यहाँ बॉलीवुड के हैं, जैसे अभी हमारे साथ जॉन अब्राहम की शूटिंग कर रहे हैं पाटला हाउस में, तो यहाँ अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार एवरीबॉडी का सीनो, तो यहाँ पे जैसे सब हर प्रदेश की एक एक फिल्म सिटी है, उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पर भी एक फिल्म सिटी बने और लाखों लोगों को रोज़गार मिले। सो आई रियली वॉन्टेड कि यहाँ पे ये शुरुआत हो जाए। उन्नाव चूँकि एयरपोर्ट के पास है तो वहाँ ज़मीन भी पॉसिबल हो सकती है, करीब 100-150 एकड़ ज़मीन चाहिए होगी, तो बिल्ड अ स्टूडियो लाइक रामोजी स्टूडियो। सो यू नो, इसलिए मेरा प्रयास कई सालों से है, पिछली सरकार में भी रहा है प्रयास, ये सरकार ने MOU किया हमारे साथ, तो उम्मीद करते हैं कि इस टेन्योर के पहले हम लोग, ये सरकार की टेन्योर के पहले हम लोग ये इसका शिलान्यास करके काम शुरू कर दें। पंजाबी और सिंधी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जैसे कि भोजपुरी, यहाँ की ही ज़मीन की ही बात है, तो भोजपुरी को बनने में काफ़ी लेट हो गया है, नहीं बन पाई फिल्म इंडस्ट्री? जी वही, हम CM साहब से भी बात किए हैं, और हमको लगता है भोजपुरी चूँकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 70-80 फिल्में बनाती हैं साल में, इतनी बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग, सो वो उनको डेफिनेटली, अब हम लोगों को भोजपुरी का भी, चूँकि भोजपुरी के लिए कोई छत नहीं है, सब सारे रीजनल भाषाओं के लिए स्टूडियोज़ हैं अपने अपने प्रदेश में, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, चूँकि मैं हर भाषा में काम करता हूँ, मलयालम, बंगाली हो, तो हमारे मराठी हम लोगों के लिए नहीं, तो उत्तर प्रदेश में उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाती है भाषा, जैसे तेलुगु भाषा है और आप हिंदी भाषी हैं, तो आपको वो चीज़, वो चीज़ें समझ में आ जाती है, वो भाव समझ में आ जाते हैं? जी जी जी, लोग पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डायरेक्टर को उसका मतलब बता देते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लुएंसी तो हमको नहीं, हमारी मातृभाषा नहीं, लेकिन मैं उनका मतलब जान लेता हूँ, फिर उसको रोमन इंग्लिश में करके ट्रांसलेट हिंदी में करता हूँ, फिर मैं उनकी भाषा में उसको प्रॉम्प्ट लेके बोलता हूँ। अच्छा, भोजपुरी का जैसे कि अभी तक कोई फिल्म इंडस्ट्री या एज सच नहीं बना है, और भारत के अलावा वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस जैसे कई देशों में भोजपुरी के लोग रहते हैं, तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री बनती है तो भारत के अलावा क्या आपको लगता है कि बाहर के लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा? हमारी फिल्म अभी होम प्रोडक्शन आएगी सन की दरोगा, मैं फिल्में भी बनाता हूँ, उसको मैंने लिखा भी था, वो थाईलैंड में लगी थी, अब मॉरिशस और बाकी जगह गुआना, त्रिनाड, सुरीनाम ऐसी सब जगह भी जाएगी। सो यस, हमारी ऑडियंस बाहर भी है, अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सिनेमा बना रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का सिनेमा बना रहे हैं, और उसकी कहानी क्या है, सो और उसकी रिचनेस क्या है, वेल शॉट है, वेल टेक्निकली साउंड है, तो वो हम फॉरेन कंट्री में भी लगा सकते हैं। जैसे कि टेक्नीशियंस भी हैं कुछ ऐसे मुंबई में बॉलीवुड फिल्मों में, या फिर कुछ ऐसे उत्तर भारत से काफ़ी लोग जाते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने, अगर यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बन जाती है उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे, तो आपको लगता है कि मुंबई में जाना कम हो जाएगा, लोगों की भीड़ कम हो जाएगी, या यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिल जाएगा? जी, मिस्टर बच्चन हो या मैं हूँ या नवाजुद्दीन हो या राजपाल, बहुत सारे एक्टर हैं जो यहाँ से गए हैं, बहुत सारे राइटर्स गए हैं, बहुत सारे कैमरामैन्स हैं, बहुत सारे अनगिनत कलाकार हैं जो इस मिट्टी में कलाकार जन्म लेते हैं, यहाँ भगवानों की मिट्टी है,
सो यस, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, तो मैं मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग इंडस्ट्री से जुड़ जाएंगे और काफ़ी लोगों का कंफर्ट लाइफ शुरू।